कैसे हैं आप लोग? सो आई एम बैक विथ माई न्यू वीडियो एंड ये जो वीडियो होने वाली है कंप्लीट इस गाड़ी के ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये गाड़ी चलने में कैसी है, लाइक ऑन बम्पी रोड्स एंड हाईवे। एंड अभी जो मैं ये ड्राइव कर रहा हूँ ये नेशनल हाईवे 24 पर ये ड्राइव कर रहा हूँ। बने रहिएगा स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक, वीडियो को पूरी देखिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं करा है, नीचे दिखे बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और लाइक शेयर एंड कमेंट प्लीज़। तो करते हैं वीडियो शुरू। तो गाइज़ जैसे अभी मैं ये गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ थर्ड गियर पर और गाड़ी 41 की स्पीड पे अभी चल रही है। एंड गाड़ी ये ऑटोमेटिक है, आप लोगों को पता ही है, XZA+। इस गाड़ी में गाइस तीन ड्राइविंग मोड्स हैं, फर्स्ट इज़ ईको, सेकंड इज़ सिटी एंड द टॉप मोस्ट इज़ स्पोर्ट्स। तो अभी जो गाड़ी चल रही है वो सिटी मोड में चल रही है और ये इस गाड़ी का डिफ़ॉल्ट मोड है। जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो वो सिटी मोड में ही स्टार्ट होती है, देन आप स्विच कर सकते हैं इस गाड़ी को ईको मोड में या स्पोर्ट्स मोड में लेटर ऑन। और गाइस वन मोर थिंग, ईको, सिटी और स्पोर्ट्स, ये जो तीनों मोड हैं इन तीनों मोड की ड्राइवेबिलिटी बिल्कुल डिफरेंट है, बिकॉज तीनों में अलग BHP यूज़ होता है, इंजन इसका अलग अलग सेट है पूरा। जब भी आप ईको मोड में ड्राइव करेंगे तो उस मोड में गाड़ी लेस पावर यूज़ करती है एंड इट गिव्स यू मोर एफिशिएंसी, आपको फ्यूल इकोनॉमी ज़्यादा मिलेगी और गाड़ी में पावर थोड़ी कम रहेगी। जैसे ही आप सिटी मोड में स्विच करते हैं तो सिटी मोड में थोड़ा सा आपको पावर इंक्रीज लगेगा लेकिन थोड़ी सी स्पीड आपकी एवरेज आपकी थोड़ी सी डाउन हो जाएगी। सेम गोज़ विथ स्पोर्ट्स मोड, स्पोर्ट्स मोड में गाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड पावर, बट अगेन दी एवरेज विल बी लो। तो ये चीज़ें तीन आपको ध्यान रखनी है जब भी आप गाड़ी चलाएं ये गाड़ी टाटा नेक्सॉन। मैं प्रेफर करूँगा आप सिटी या ईको में ही ज़्यादा गाड़ी चलाएं। ईको मोड उन लोगों के लिए ठीक है जो ज़्यादा फास्ट नहीं चलाते, मतलब नॉर्मल जिनकी ड्राइविंग रहती है, एंड सिटी मोड उनके लिए जो मॉडरेट ड्राइवर्स हैं, थोड़ा सा ओवरटेक कर लिया एंड ऑल। तो ये दोनों ड्राइविंग मोड्स आर प्रेफरेबल। तो गाइज जैसा मैंने आपको बताया कि तीनों ड्राइविंग मोड्स में स्पीड के हिसाब से गियर चेंज होता है, तो ईको मोड की अगर मैं बात करूं तो ईको मोड में जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो ईको मोड इज़ सेट इन दैट वे कि आपको एकदम राइट फ्यूल एफिशिएंसी मिले। वो कैसे? जब भी गाड़ी के गियर शिफ्ट होते हैं तो वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट स्पीड में शिफ्ट होते हैं, जितनी स्पीड में जिस गियर की आवश्यकता है वही गियर लगता है। जैसा कि पहला गियर आपका जब लगा उसके बाद जब सेकंड गियर लगता है तो वो तुरंत 17 से 18 की स्पीड में लग जाता है, फिर थर्ड गियर जब लगता है तो वो तकरीबन 29 से 30 की स्पीड पर लगता है, देन जब आप फोर्थ गियर पर आते हो तो फोर्थ गियर गाड़ी लेती है आपकी 37-38 अराउंड पे फोर्थ गियर ले लेती है। ये मैं आपको ईको मोड की बात बता रहा हूँ। अगर मैं यही गाड़ी सिटी मोड में चलाऊँ तो जब मैं सिटी मोड में ये गाड़ी चला रहा होऊंगा तो उस समय जो सेकंड गियर लगेगा गाइस वो लगेगा तकरीबन 20+ पे लगेगा, जो कि 22-23 या 24 तक खींच सकती है गाड़ी। फिर उसके बाद जो अगला गियर लगेगा वो आपका 35 अराउंड लगेगा, और ऐसा ही थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है स्पीड में और गियर शिफ्टिंग में सारे ड्राइविंग बोर्ड्स में। तो ये आपको कहाँ पर बेनिफिट देगा कहाँ नहीं देगा इसकी बात करते हैं। जब आप गाड़ी को ईको मोड में चला रहे हो तो आपकी गाड़ी एकदम सही स्पीड में सही रेस पर गियर शिफ्ट कर रही है, तो आपका इंजन जो है एकदम परफेक्टली रिस्पॉन्स कर रहा है और उसको जितनी पावर चाहिए
उतनी ही पावर आप दे रहे हो, अननेसेसरी आप उसमें एक्सेलरेशन नहीं दे रहे हो जिससे कि इंजन और तेज़ चले, जिससे कि आपकी एफिशिएंसी डाउन हो। तो ये तो है इको मोड में। और यहाँ पर आपको ऑब्वियसली एफिशिएंसी ज़्यादा मिलेगी गाड़ी की। और जैसे कि सिटी मोड है उसमें गाड़ी थोड़ा सा डीले शिफ्ट करती है गियर्स को, तो वहाँ पे आपका एक्सेलरेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और गियर शिफ्टिंग थोड़ी स्लो हो रही है। तो जब गियर शिफ्टिंग स्लो हो रही है तो दैट मीन्स कि पुराने वाले पिछले गियर पे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ज़्यादा ज़ोर दे रही है गाड़ी, इंजन को ज़्यादा पावर लग रही है गाड़ी को खींचने में। उससे आपकी स्पीड तो इंक्रीज़ हो रही है, पावर भी ज़्यादा जनरेट हो रही है, लेकिन आपकी एफिशिएंसी डिक्रीज़ हो रही है। सेम गोज़ विथ स्पोर्ट्स मोड। स्पोर्ट्स मोड में भी यही होता है, उसमें आपकी एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है और जो गाड़ी की स्पीड है वो बहुत तेज़ हो जाती है। ये तीनों मोड में डिफरेंस है गियर शिफ्टिंग में। तो गाइज अभी लाइव डेमोंस्ट्रेट करते हैं कि ऑटोमेटिक कार में गियर शिफ्टिंग कैसा होता है, तो आइए देखिए। तो गाइज ये है स्पीडोमीटर और बीच में आपको दिख रहा है स्पीड, लेफ्ट हैंड साइड पे उसके जस्ट जो 3A है दैट मीन्स गियर जो अभी चेंज हुआ, सिटी मोड पे गाड़ी चल रही है। स्पीड के नीचे आपको जो एक बार दिख रहा है वो है आपका एवरेज बार, दैट इज़ रनिंग एवरेज। तो रनिंग एवरेज जो है जितनी हाई रहती है उतना ही आपकी गाड़ी उतनी अच्छी एवरेज देगी, और वो हाई तभी रहेगी जब आप एक कॉन्टीन्यूसली स्पीड में गाड़ी ड्राइव करेंगे, अननेसेसरी एक्सेलरेट ना करें गाड़ी को। तो गाइस आपने जैसे कि देखा इस गाड़ी के ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में, मैंने आपको बताया कि गियर शिफ्ट कैसे करने हैं और मतलब कैसे होते हैं इसमें ऑटोमेटिक गाड़ी में, और ड्राइविंग एक्सपीरियंस इसका काफ़ी अच्छा रहा। मेरा 2 महीने का एक्सपीरियंस अच्छा है। फ्यूल एफिशिएंसी इसकी थोड़ी कम है, मुझे अभी अराउंड 9 या 10 की एवरेज मिल रही है। बाकी गाड़ी की ड्राइवेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। एक चीज़ मुझे इसकी काफ़ी अनोइंग लगी, दैट इज़ द ए पिलर ऑफ दिस कार। गाड़ी के ए पिलर जो हैं वो काफ़ी बड़े हैं इफ़ आई कंपेयर दी अदर कार्स। मैंने इको स्पोर्ट भी चलाई है एंड मेरे घर में इको स्पोर्ट भी है, तो उसके जो ए पिलर्स हैं, ए पिलर्स के नीचे एक थोड़ा सा ग्लास दे रखा है जिससे आपको विजिबिलिटी हो जाती है जब आप टर्न्स लेते हैं, तो एक छोटी सी आपको विजिबिलिटी मिल जाती है। बट इसका ए पिलर इतना बड़ा है, मतलब काफ़ी वाइड है, जिसमें आपको जब आप शार्प टर्न लो तो छोटा सा कभी एक ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट होने का चांस रहता है। अगर आप ने बिल्कुल भी 100% राइट लेफ्ट नहीं देखा तो कोई एक मिसअप हो सकता है। तो एक ये पॉइंट मुझे टाटा का अच्छा नहीं लगा ए पिलर को इतना ज़्यादा चौड़ा करने का, वहाँ पे नीचे एक ग्लास दे सकते थे जस्ट लाइक इको स्पोर्ट। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको इस वीडियो में अगर जो भी कमियाँ लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए, आपको क्या जानना है इस गाड़ी के बारे में या कोई और गाड़ी के बारे में। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उस टॉपिक को कवर करने के लिए। और गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। चलिए करते हैं वीडियो को समाप्त। टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय।